अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बॉय कला यासीन। और कैसे हैं आप सब? मज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में ही होंगे। तो सीन ये कि आज से क्या मतलब है, मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ टैमरॉन 17-28 F2.8 DI3 RXD। तो नाम है वो, मेरे को मित्तस्वामी याद आ गया। तो लम्बी नहीं करते अपन भी उसकी तरह और इसको अनबॉक्स करते हैं। मैं इसकी सीट इसकी पैकिंग खोल चुका हूँ वारंटी कार्ड के लिए। इसकी एक महीने की वारंटी है, तो एक साल की वारंटी है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। ये पेपर वर्क था जिसके अंदर मैंने वारंटी कार्ड है और अभी इसको साइड पर करते हैं और लेंस को निकालते हैं। निकाल वेट वेरी टाइट पैकिंग है इसकी। One eternity later. निकालते हैं। इसका नहीं दिल है निकलने का। अच्छी पैकिंग में हिल नहीं जाता ये। बाद में देखेंगे इसको। तो लेंस पे आते हैं। देख लो, मैंने खुद इसका अभी तक दीदार नहीं करा है। वारंटी कार्ड भरा था सिर्फ। तो यार नया लेंस, वो भी मैट फिनिश। उए 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 उए। जो लगता है कोई खुशबू ही नहीं है इसके अंदर। मतलब कि नई चीजों की खुशबू सूंघी है, कैसी कोई प्यारी होती है इसके अंदर, कोई खुशबू ही नहीं है। डिसअपॉइंटेड, मगर लेंस अच्छा है, बॉम्ब भी है। मेरा नाक का ऑयल इसके ऊपर आ गया। सॉरी बेबी। टैमरॉन 17-28 F2.8 DI 3 RXG लेंस। इस लेंस की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ मैं आपको। इसकी स्पेसिफिकेशन है, इसके अंदर 13 ग्लास है 11 के ग्रुप में। मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, मगर इसके अंदर 13 ग्लास एलिमेंट्स है। इसके अंदर एपर्चर की जो आयरिश होती है उसकी ब्लेड 9 है। मतलब कि अगर इससे आपको बोके मिलता है तो प्रॉपर राउंड होंगे, सिनेमा ग्लासेस की तरह नहीं जिसके सेक्शन 13 और होते हैं, मगर स्टिल आपको राउंड बुकेस मिलेंगे। इसका वजन, वजन चेक करो यार, मतलब के सॉरी कुछ भी वजन नहीं है, 420 ग्राम। और क्या चाहिए आपको? और लेजिट इसका लेजिट क्यों बोला मैंने? और इसका मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस वो कितना होगा? 19 सेंटीमीटर। कितना सा हुआ, मतलब क्या बहुत करीब की चीज है, इसके ना फोकस कर सकते हो। आपको ये इशू नहीं होगा कि आपको फोकस करने के लिए इसको दूर जाने वाला है। और इसके पैसे वो तो सबसे बेस्ट है इसके कॉम्पिटिटर के हिसाब से और इसके खुद के हिसाब से। मैंने पर्सनली टैमरॉन 28-75 28-275 2.8 बहुत यूज़ करा है, ई माउंट जो सोनी का माउंट होता है, मगर इसको खरीदने के लिए उसको बेचना पड़ा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आई एम मोर ऑफ अ वाइड एंगल एंड क्लोज पोर्ट्रेट, मुझे वेरिएबल लेंसेज इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर 17 है, मुझे सिर्फ 17 नॉर्मली तो मिलता नहीं। सैमयंग के अंदर 18 mm है, मगर वो लेंस मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लगा। तो अभी हम आते हैं इस लेंस पे, टैमरॉन 17-28। इसका हम फोकसिंग डिस्टेंस की बात कर ली हमने, इसको हम माउंट करते हैं। मगर उससे पहले एक और चीज़ बता दो, पूरी बॉडी इसकी प्लास्टिक की है, इसके अंदर मेटल की बेस प्लेट है और इसके ऊपर गैस्केट भी है। गैस्केट इसके अंदर मैंने जो पढ़ा ना इसके बारे में, तो उसके अंदर प्रॉपरली इसका वेदर रेजिस्टेंस नहीं बोला, इसको मॉइस्चर रेजिस्टेंस बोला है। गारंटी नहीं थी, मतलब कि बोल दिया हाँ हमने आपके लिए एहतियात भड़क ली है, बाकी आगे आप अपना देख लो, हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो ये वाला सीन है इसका। और इसका बैरल सबसे टाइट चीज़, सबसे बेहतरीन चीज़ के इसका बैरल बाहर नहीं निकलता।
हुड की भी बात करते हैं हम, इसका बैरल बाहर नहीं निकलता, लाइक 28-75 या बाकी आपने लेंसेज देखे होंगे उनका बैरल बाहर निकलता है। इसका कॉम्पिटिटर सोनी 16-35 f/2.8G Master उस तक का बैरल बाहर निकलता है, इसका बैरल बाहर नहीं निकलता। तो आप इसको गिम्बल पे बैलेंस करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो गिम्बल वाली वीडियो में बताया कि अगर आप गिम्बल पे कैमरा लगाने के बाद उसकी कोई भी चीज़ आगे पीछे होती है तो गिम्बल अनबैलेंस होने का चांसेस होते हैं, मोर लाइकली आपकी बैटरी ज़्यादा यूज़ हो। तो उसके अंदर वैसा भी कोई सीन नहीं है, इसका बैरल इन बॉडी है तो सारा मामला अंदर ही अंदर हो जाता है, बाहर वालों को पता भी नहीं चलता। तो बाकी सारे लिहाज से तो ये ठीक है। हम प्राइस कंपैरिजन करते हैं, प्राइस ये इंटरनेशनल मार्केट में $900 का और पाकिस्तान में मुझे मिला 136,000, तो विच इज़ टू मच। मगर इसके कॉम्पिटिटर के हिसाब से देखें तो उस कॉम्पिटिटर के मुझे डॉलर में प्राइस नहीं पता, 2,000 अबव है और जो पाकिस्तानी 3.25 लाख रुपए के कहीं करीब करीब आता है सोनी 16-35G Master लेंस। तो वो लेंस इसके से महंगा है और सिग्मा 14-24 2.8 वो भी इससे महंगा है। लाइक ये अपनी लीग में सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन लेंस है जो सबको डोमिनेट कर रहा है। हाँ इसकी फोकल रेंज थोड़ी कम है, लाइक अपने से डबल भी नहीं है, 17 और 28, लाइक डबल से थोड़ी सी ज़्यादा है, सॉरी 17 से 27 और थोड़ी सी ज़्यादा, एक पॉइंट 17, 27 और 28, मतलब कि आपको 16 मिलता तो आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़ता, मगर 28 से 35 7 mm का फ़र्क है, मगर पैसों के सामने कुछ नहीं है। इसका थ्रेड 67 है जो मुझे ज़्यादा बेनिफिट इस बात पर दे रहा है कि मेरे पास 28-75 था, उसका थ्रेड भी 67 था। और इसने एक और लेंस लॉन्च करा है टैमरॉन ने 75-180 जो रिलीज़ नहीं हुआ है, लॉन्च करा है, उसका थ्रेड भी 67 ही है। मतलब कि अगर आप एंटी फिल्टर्स, पोलराइजर और ये सारी चीज़ें लेते हैं तो आप इसके तीनों लेंसेज पे एक ही चीज़ लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बड़ा बेहतरीन लेंस है और सबसे अच्छी बात इसको आप क्रॉप बॉडी पे भी बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं भी क्रॉप बॉडी पे ही लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा A7 III जिस पर मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे इसको बॉडी पे क्रॉप बॉडी पे लगाना पड़ेगा। इस तो वाइट निशान है जो आप बॉडी के वाइट निशान पर मैच करोगे और ये जो आवाज़ आती है ना लाइक दिल का, मतलब कैसा नहीं होता गने लूट कर रो, वैसी वाली फील आती है। एक तो रिमोट में सेल डालते वक्त और लेंस लगाते वक्त, लाइक आप गन के आगे साइलेंसर लगा रहे हो। अच्छा ये क्रॉप बॉडी के लिए क्यों अच्छा है अभी हम देखते हैं। 17 को मल्टीप्लाई करो 1.5 से कितना हुआ, वेट 17 मल्टीप्लाई बाय 1.5 25.5, और इसको क्लियर करते हैं 28 मल्टीप्लाई बाय 1.5 42, लाइक 25.5 से 42 mm, विच इज़ प्रिटी गुड। अगर आप सिग्मा के लेते हो सोनी पे लेंसेज 16-30 और 30 mm, तो वो दोनों लेंसेज आपको 55 और 45, ये दोनों तरह के चल रहे हैं तो लाखों पर। मगर अगर आप इस पर इन्वेस्ट करते हो, इस लेंस पर इन्वेस्ट करते हो, तो इन फ्यूचर आप ये लेंस फुल फ्रेम पे भी चला सकते हो, वो लेंसेज आप फुल फ्रेम पे नहीं चला सकते हो। तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है और 25 mm पर हम इसका लुक देते हैं कि कैसा देता है, आप इस पर व्लॉगिंग कर सकते हो नहीं कर सकते हो, लाइक ऑन करा रिकॉर्ड पर डाला वो हाथ वाला शॉट होता ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, मजे में हो, बेहतरीन। तो ये फोकल लेंथ बड़ी अच्छी लगती है क्रॉप बॉडी पे भी, लाइक अगर आप इस लेंस को लेते हो अपने साथ, आपने क्रॉप बॉडी भी रखी हुई है और फुल फ्रेम भी रखा हुआ है, फुल फ्रेम आप अच्छे काम के लिए यूज करते हो, क्रॉप बॉडी आप रेगुलरली यूज करते हो, तो आप इस लेंस को क्रॉप बॉडी पे भी यूज कर सकते हो इजीली, मतलब कि आपको इशू नहीं होगा मल्टीप्लीकेशन का फोकल लेंथ पे।
तो मेरे हिसाब से तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा बजट है। ये लेंस मैंने लिया है गोल्डन कैमरा से, यूसुफ भाई मोस्ट प्रोबेबली आप उनको जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, उनसे मैंने लेंस लिया था यार। बाकी काफ़ी है इतना इस लेंस के लिए, मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं करा प्रॉपर, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा है लेंस। तब तक के लिए अल्लाह।